से लोगों ने कही कोई जो केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों देख लो इस आरक्षी पर समस्त उत्तराधिकारियों का आदेश है साफ पालन करेंगे और हमें रगड़ दिया जाएगा कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी कप्तान साहब ऐसे निकल के आए मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए 4 खा लीजिए कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं मैं सुबह से भूखा हूँ मैं किससे कह दूं या मेरे माँ बाप थोड़ी है इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजूद द्वारा कड़ना द्वारा मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है बहुत नहीं हो रही है ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा मैं डीजीपी का पीएस बोल रहा हूँ एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही मर जाते हैं चले यार 2 घंटे का शोक धारण किया ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है यही बुला लो साहब लोग नहीं बुला मैं नहीं आऊंगा साहब यहाँ से नहीं जाऊंगा साहब लेकिन बचे मैं रोड पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी।